एक और चुनाव जिस पर सबकी नजर है, यूपी निकाय चुनाव। अब वहां पर 17 में से किसको क्या क्या मिलेगा ये देखिए आप। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, फिरोजाबाद, अयोध्या, आगरा, लखनऊ, वृंदावन, मथुरा, प्रयागराज। प्रयागराज जानते हैं आप मैं क्यों कह रहा हूं, प्रयागराज यहां पर सबकी नजर होगी। वाराणसी, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मेरठ, शाहजहांपुर, कानपुर, एक एक डिटेल हम आपको देखेंगे। और ये स्क्रीन देखते रहिए आप। ये स्क्रीन आपके सामने, ऊपर कर्नाटक है, ऑन द राइट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप यूपी का जो मेयर का जो चुनाव है उसमें सीधे चलेंगे। समीर, ओवर टू यू। मनीष सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मनीष जी, क्या वजह रही आपके पास सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव का, बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का यूपी में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जितना मेहनत करते नजर आए उतर कर ग्राउंड पर, एक के बाद एक रैलियां, जनसभाएं, अखिलेश यादव हमें नजर नहीं आए। क्या लगता है आपको, ये बड़ा असर करने वाला है इस बार? समीर जी, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सुबह का प्रणाम बोलता हूं। और जो बात आपने कहा है कि श्री अखिलेश यादव जी ने मेहनत कम किया, श्री अखिलेश यादव जी वैचारिक नेता हैं, सैद्धांतिक नेता हैं, और श्री अखिलेश यादव जी हमेशा मुद्दों पर आधारित राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और मुद्दों पर बात। मतलब वैचारिक नेता हैं तो उन्हें रैलियों की जरूरत नहीं है, मतलब चुनावी सभाओं की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, आपने समीर जी इसको थोड़ा सा और विस्तार देकर के समझने की कोशिश करिए। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी कर्नाटका में भी 3 दिन थे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक श्री अखिलेश यादव जी ने एक एक नगर निगमों में जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और सबसे बड़ी बात समीर जी, मैं आपको आपके टेलीविजन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 30,000 ऊपर वार्ड है हमारे पास, 30,000 वार्डों में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उम्मीदवार जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनको जिताने के लिए दिन रात मेहनत किया है, प्रयास किया है, और समाजवादी पार्टी की नीतियां, सिद्धांत और विचारों पर जनता ने हमको वार्डों में जिताने जा रही है, जनादेश देने जा रही है। जो 544 हमारे नगर पंचायत है, परिणाम आने जा रहा है, आज शाम तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 544 नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताया है, जनादेश दिया है। ठीक है।